सोची समझ कर हा मत धनवा हो चुनौआ करी बादल जुमला फेंके लागल चौकी दरवा हो भी बढ़ा दिए ढाई क्या और वजन कितना कर दिया 45 केजी कर दिए और इतनी गंदी मानसिकता हमने किसी भी चूंकि नौकरी तो देनी नहीं है इन्हें बस इनकम इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर नेता इनका बात कर रहा है धर्म की बात करते हैं हिंदू हो प्रधानमंत्री हिंदू हो राष्ट्रपति है हिंदू हो रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं का राष्ट्रपी है अब राग हो हाथ रसो मणिपुर में लागल आज अगर 50 रुपए का राशन है तो 100 रुपए की पन्नी जा रही है 150 रुपए का थैले जा रहा है कुछ मानसिकता बहुत कुछ मानसिकता भाई साहब 10 वर्ष बीतल नहीं दिहले तनिक ध्यानवा काम ना चलाई सिर्फ रसनवा हो चुनौआ करी। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और दोस्तों और हमारे सर जी हमको लिवाने आ रहे हैं और इसी गांव में हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। बता दें कि एक गांव है इधर आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है, अभी तो हम सुल्तानपुर ज़िले में हैं और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप सभी लोग को दिखाई दे रहा है उसके उस पार आजमगढ़ है और हम जहाँ इस समय हैं वो सुल्तानपुर में है और इसका टोल टैक्स यहाँ से करीब 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर दूर है तो हम चल रहे हैं हाँ टोल टैक्स के पास तक। अभी वहीं पे आएंगे सर जी हमको लिवाने के लिए। चलिए कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, अभी जो सर जब सर जी आएंगे तो आप सभी लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम भिलारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल टैक्स के पास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों देख लीजिए सर जी के पास पहुँचा है। सर जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को पवन भाई के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आइए चलते हैं आपको एक गांव की शेयर कराते हैं जी और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं इलेक्शन कवरेज। तो कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। ठीक यू से दैट आई एम साइकोटिक बट दे यू लाइक इट लाइक दैट इट्स लाइक गिविंग टाइम द कन्वर्सेशन चेंजेस एंड नो यू राइट बैक राइट बैक यू से तो दोस्तों देख लीजिए सर जी को हमने यहाँ पे लेके आया सा फेमस गुजिया की दुकान पे। देख सकते हैं खा रहे हैं सर जी और बहुत बड़ी बड़ी गुजिया यहाँ पे बिकती हैं। लेकिन सर जी गुजिया कैसे लग रहा है आपको? तो ये हमारे सर जी ने खिलाया, यहाँ की गुजिया फेमस है जी। हमीरपुर चौराहा जी, ये आजमगढ़ जिले का पश्चिमी इलाका है, इसके बाद आपका सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर जी। ठीक है बढ़िया है जी, यहाँ फेमस भी गुजिया है जी जी जी। देख सकते हैं वहाँ हैं लाले गुजिया वाले। तो देख सकते हैं आप लोग के सामने गुजिया दिखाई दे रहा है, गुजिया भी छान रहे हैं चाचा और इधर देखिए कितनी गुजिया बना के रखे हुए ये देखिए। और इधर समोसा है, इनके बता दें कि दोस्तों इनका गुजिया जो है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाते हैं और इस तसले में भी गुजिया है, यही है जो लाले गुजिया वाले हैं। यहाँ उधर छन भी रहा है गुजिया, बहुत फेमस है यहाँ के गुजिया और इतना भीड़ लगा है गुजिया खाने वालों का, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए गुजिया, ये देखिए दो भाई साहब आए हैं गुजिया खा रहे हैं, इधर खाने के लिए लोग बैठे हुए हैं गुजिया। दुकान कब से है आप? आपके लालचंद तो काफी दूर दूर से लोग आते होंगे। जी अभी और युवाओं से मिलते हैं, चलते हैं उनकी राय हम जानते हैं जी।
इन्होंने बीएड की मान्यता भी शायद खत्म कर दी है, इसी सुनने में आते हैं। हाँ, बीएड इन्होंने चार वर्षीय बीएड का कोर्स कर रखा है, अब ये इंटर के बाद चार वर्ष का बीएड कोर्स कर रहा है। चूंकि नौकरी तो देनी नहीं है इन्हें, बस इनकम, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो पेपर वगैरह का दिए? मैंने दिया है पेपर, अभी मैंने अभी टेस्ट दिया है सिर्फ, जैसे टेस्ट दिया। यूपी टेट तो आया नहीं है, जब से ये आया आपका कोरोना के पहले से यूपी टेट गायब है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यूपीपी की परीक्षा हुई, 60 लाख अभ्यर्थी आए हमारे, वो लीक हुआ। आरओ एआरओ की परीक्षा आपको आपके संज्ञान में होगा, वो भी लीक हुआ। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट, और मैंने इस पे एक बड़ा बहुत ही बढ़िया गाना लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा हुआ है कि मतदान जरूर करिए, मतदान आपका अधिकार है, लोकतंत्र का एक खूबसूरत अवसर है। शांत रहा थोड़ा, मैं आपको दो लाइनें अपने गाने की सुनाता हूँ। जरूर सुनाइए। सोच समझ कर हा मत दनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। सोच समझ कर हा मत दनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। जुमला फेंके लागल चौकी दरवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। यही घड़ी जुमला में जब फंसी जाइबा, अब के अंपन के जुमले में नहीं फंसना है। यही घड़ी जुमला में जब फंसी जाइबा, अगले 5 सालिया बहुत पछताइबा। सोची समझ कर हा मत दनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। महिला सुरक्षा के अलप है अब राग हो, हाथ रसो मणिपुर में लागल इन पर दाग हो। खोई गायल बेटियन के सम्मान हो, उनके सम्मान में बहुत बड़ी आ जाए। ये पूरे भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए एक शर्मसार घटना थी, मणिपुर की घटना, हाथ रस हो। खोई गायल बिटियन के सुमनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। सोची समझ करी हा मत दनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। बेरोजगारी और महंगाई, ये 5 किलो राशन देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेरोजगारी और महंगाई मारत बाटे जनवा, 10 वर्ष बीतल नाही दिहले तनिक ध्यान मा। ये 5 किलो राशन के गुमान करते हैं ना। बेरोजगारी और महंगाई मारत बाटे जनवा, 10 वर्ष बीतल नाही दिहले तनिक ध्यान मा। काम ना चलाई सिर्फ रसनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। सोची समझ करी हा मत दनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। ऐसे ही 6-7 पैरा है मेरे, मुझे अभी पूरी वो मेरे गाने याद नहीं है। चलिए, आपको समय दीजिएगा, हम आपको नंबर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर अपने चैनल पे हम प्रसार करेंगे। बिल्कुल करिएगा, और लोगों से मिलने मिल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आईबीसीआई का सचिव बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है? नहीं। राजनाथ सिंह का लड़का क्या है, वो परिवारवाद नहीं है? कितने नाम आपको हम बता दें हैं? तो भैया हम तो कहते हैं, अब भी अगर जनता आपकी वरना खुली, ना संविधान बचेगा। संविधान के बलबूते आप हमारे पास खड़े, हम किसी के साथ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संविधान है कि 400 बिल्कुल बदल देंगे, और 400 नहीं 543 भी कहें ले सकते हैं, जब तक ईवीएम की सुरक्षा नहीं ढंग से। कौन इतना बड़ा ज्योतिषी जो बता सकता है 400 मारे जा रहे हैं? जब आपकी सेटिंग है तो आप कुछ भी कह सकते हो भाई। बेसिक मुद्दे क्या है, जनता के बीच आप जा रहे हो, बेसिक मुद्दे क्या है भाई? कभी इस पे कभी भी कोई नेता इनका बात कर रहा है? धर्म की बात करते हैं, हिंदू हो प्रधानमंत्री, हिंदू हो राष्ट्रपति, हिंदू हो रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो हिंदू हो, उसके बाद भी हिंदू खतरे में। अच्छा, आपने इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ा कांग्रेस जी? मोदी जी कह रहे हैं कि आपका इनका मुलायम जी का जो है माननीय, और अखिलेश जी का लोगो था, तस्वीर लगाई, उसको इन्होंने 20 बार उठाया होगा, हर जगह मुद्दा रखा होगा। आज अगर 50 रुपए का राशन है तो 100 रुपए की पन्नी जा रही है
150 रुपए का थैले जा रहा है, मिनी नहीं मानसिकता, बहुत कुछ मानसिकता भाई साहब उनकी। खाद यूरिया आ रही है उस पे भी ये लोग अपनी जो है तस्वीर लगवाए हैं। और उसके साथ साथ आप पता ही महंगाई बात कर रहे हैं, यूरिया पहले कितने 50 केजी गेहूं आते थे, कितना रेट था, आज यूरिया का रेट भी बढ़ा दिए हैं 250 और वजन कितना कर दिया 45 केजी कर दिए। इतनी गंदी मानसिकता हमने किसी भी एक। तो फाइनली दोस्तों रिपोर्टिंग करके हम लोग घर के लिए आ चुके हैं और समय हो रहा 7:30, काफ़ी रात हो गया है। और आप सभी लोग आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी कमेंट कीजिएगा आपकी बार किस किस सरकार है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।